हाई गाइज, हाउ आर यू ऑल? इफ़ यू आर न्यू हियर, माई नेम इज़ पूजा. स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में. और वंस अगेन मैं फिर से गायब हो गई थी बिकॉज मुझे हो गया था कोल्ड. सो शायद मैं मेबी 2 हफ्ते होने वाले होंगे, उसके बाद ही मैं कोई वीडियो डाल रही हूँ. सो कोल्ड तो मेरा ठीक हो गया था, बट मेरा गला जो है, हम कहते हैं ना कि गला बैठ गया. सो मैं बोल तो ले रही थी, मतलब मैं बोल रही थी, बट मेरे कुछ कुछ वर्ड अंदर ही रह जाते थे, तो मेरी क्लियरली आप लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए फिर मैंने वीडियो कोई नहीं डाला. तो वंस अगेन आई एम बैक विद अनदर वीडियो, और इट इज ऑल्सो अ व्हाट आई ईट इन अ डे. सो इससे पहले मैं 4 वीडियो शेयर कर चुकी हूं, जिसे आप कह सकते हो मंडे, ट्यूजडे, वेंसडे, थर्सडे. थर्सडे 4 दिन के 4 डाइट रूटीन मैं अपने शेयर कर चुकी हूँ, और आज मैं आप लोगों के साथ अपना फ्राइडे डाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ, व्हाट आई ईट इन अ डे का. सो आई एम श्योर आप लोगों को मेरा ये सिंपल सा इंडियन देसी डाइट जो है वो पसंद आए, जो कि आपके वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है. और पिछले वीडियो में भी मैंने बोला है और इस वीडियो में बोलूँगी कि सिर्फ डाइट फॉलो करने से आपका वेट कम नहीं होगा, डाइट और वर्कआउट दोनों पे आपको फोकस करना पड़ेगा. लाइफस्टाइल हैबिट को इम्प्रूव करना पड़ेगा. अगर आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी बिगड़ी हुई है कि आप रात में 2-2 बजे सो रहे हो और सुबह के 10-11 बजे उठ रहे हो, नहीं, थोड़ा सा इन सब चीज़ों में आप लोगों को बदलाव लाना पड़ेगा. अच्छा खाना खाना पड़ेगा, खूब सारा पानी पीना पड़ेगा और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी. तो ये चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर आप बैठे रहो, आपका वेट कम नहीं होगा. सो प्लीज़ इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस कीजिए. चलो अब ज़्यादा हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे और अपना व्हाट आई ईट इन अ डे और फ्राइडे डाइट रूटीन शेयर करते हैं. तो हमेशा की तरह मेरा फर्स्ट मॉर्निंग ड्रिंक जो है वो है 1 ग्लास हनी वाटर, जो कि मैं अराउंड 6-6:30 तक ले लेती हूँ. देन कम टू आर मॉर्निंग टी. सो यहाँ मैं बना रही हूँ अपनी टर्मरिक टी. वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो. इम्यूनिटी के लिए काफ़ी अच्छी है, वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है. तो इसको थोड़ा ढक के रख देते हैं और हमारी जो टी है वो अब बन के रेडी हो गई है. रात को मैं आलमंड्स भिगोना भूल गई थी, तो मॉर्निंग में मैंने आज टी के साथ में सीड्स ले लिए. तो सीड्स भी काफ़ी बढ़िया हैं, लंबे टाइम तक फिलर रखते हैं, 0 कैलोरीज हैं और खूब सारा फाइबर है इनमें. उसके बाद हम आ जाते हैं अपने ब्रेकफास्ट पे. तो आज मैंने ब्रेकफास्ट में लिया है 1 मूली का पराठा, पतली पतली 2 रोटी बेल के उसमें स्टफिंग कर ली थी मैंने, और 1/2 ग्लास मैंने दूध लिया है. सो यही मेरा आज का ब्रेकफास्ट है. ब्रेकफास्ट के बाद आज का मिड मॉर्निंग स्नैक या मील कुछ भी कह लो, वो है 1 एप्पल. सो एप्पल खाइए, फ्रूट्स तो कुछ भी ले लीजिए, एप्पल, ऑरेंज, कुछ भी ले लीजिए. उसके बाद मैंने अपना लंच किया. लंच के पहले मैंने अपना ब्लड प्योरीफाइड टॉनिक लिया था. सो लंच में आज मैंने मशरूम लिया है, मटर मशरूम बनाया है और अपनी 7 ग्रेन रोटी. मशरूम बहुत बेनिफिशियल होता है. और उसके बाद इवनिंग स्नैक में मैंने अपना ग्रीन टी और रोस्टेड जो चना होता है वो लिया है, लंबे टाइम तक फिलर रखता है, अपनी एक्सरसाइज की. और देन हम आ जाते हैं अपना डिनर पे. सो डिनर पे मैंने 1 कटोरी मूंग की जो छिलके वाली दाल होती है वो ली है. हाई प्रोटीन होती है, वेट लॉस करने के लिए बहुत अच्छी होती है, एसिडिटी की भी प्रॉब्लम नहीं होती है. सो यही था मेरा सिंपल सा डाइट रूटीन. ऑब्वियसली बाकी वीडियो की तरह आप लोगों को ये वाला वीडियो भी अच्छा लगा होगा, बुरा कुछ नहीं लगा होगा. सो इसी तरह की मेरी डाइट होती है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. मैं सोचती हूँ कि एटलीस्ट लोगों को पता चले कि मैं क्या खा पी रही हूँ, क्योंकि कई बार मुझे ऐसे कॉमेंट्स मिले हैं, कॉमेंट्स आते हैं, जैसे कोई अचानक से देखता है मुझे, तो ऑब्वियसली उसने मुझे पहले बहुत मोटा देखा है, फिर वो मुझे अचानक से पतला सा देख रहा है, तो उनको ये लगता है कि कोई मैजिक हो गया क्या, कुछ हो गया क्या, मैं कुछ अलग से दवाई ले रही हूँ, कुछ क्या ले रही हूँ. तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपना वही सिंपल सा खाना खा रही हूँ और वो अपना वर्कआउट अपना डेली रूटीन में कर रही हूँ. और लाइफस्टाइल जो है, सुबह के 5 बजे मैं उठ जाती हूँ और फिर रात के 10-10:30 बजे तक मैं सो जाती हूँ. दोपहर में एक बार पावर नैप ले लेती हूँ अगर बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो तो. सो यही था मेरा आज का डाइट रूटीन और व्हाट आई ईट इन अ डे और फ्राइडे डाइट रूटीन. आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा. तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा और शेयर करना चाहो तो शेयर भी कर सकते हो. चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा. अब मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में. टिल देन बाय, टेक केयर.